محمد و اهل بیت محمد صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم قم لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في حوضه السعادة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار اليوم حافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزق طاعه وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد सलवात सारे हजरत मिलकर आवाज से बुलंद तिलावत की अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अऊज़ु बिललाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल कायन क़ब्ल अन यकूना कुर्सियुन व लाहुन व कलमुन व जानुन व इंस वला युद्रिकु बिवहमिन वला युक़द्दिरु बिफ़हमिन वला युहद्दु बिऐनिन वला युबसिरु बिऐनिन الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته عظيما الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على سيد الأنبياء أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بارئ الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَسْرِيَنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صلوات سارے حضرات مل کر آواز سے بلند ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد کریم اللہ اب تمام مومنوں و مومنات کا اس بارگاہ میں آنا قبول و منظور فرمائے آمین تمام ذاکرین بندہ حقیر کی چند لمحوں کی نوکری करीम करबला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए जो जो दुआएं हाजात ख्वाहिशात दिल में लेकर आए हो मालिक सब की दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अब हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि इंसान खसारे में है, वो नहीं जो ईमान वाला है, वो खसारे में नहीं जिसका अमल अमल सहले है, वो खसारे में नहीं है जिसने हक का दामन थाम लिया, वो भी खसारे में नहीं है जिसने सब्र का दामन थाम लिया। सब्र का दामन न थामा, हक का दामन छोड़ दिया, अमले साले भी ना हुआ, बंदा ईमान वाला भी ना हुआ, तो वो इंसान खसारे में है। यही मैं वो मरकज है गुफ्तगू का और आज भी वहीं से इब्तदा है। और ये एक ऐसा सूरा है जिसमें अल्लाह ने घाटे वाले इंसान का तज़करा किया है, खसारे वाले इंसान का तज़करा किया है और बताया है कि अगर खसारे से बचना चाहते हो तो फिर ये चार काम करने पड़ेंगे। पहले ईमान लाना पड़ेगा, रात की मजलिस ज़हन में हो गई, ईमान लाना पड़ेगा, फिर अमल अमल साले होना चाहिए और हक को सब्र का दामन थामना पड़ेगा। और चार कामों से पहले अल्लाह ने कसम खाई है, फरमाया वल असर, मुझे असर की कसम। पहली मजलिस में मैंने गुजारिश की थी कि कसम अपने से बड़े की खाई जाती है, अला कुल्ली शैन कदीर, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। फिर उलमा ने बताया कि कसम प्यारे की खाई जाती है। पता चला ये जो असर है अल्लाह को इससे प्यार है। सुभान अल्लाह, सुभान जी करीम अल्लाह आपको सलामत रखे जी। क्या क्या ही बात है, आपकी तवज्जो काबिले दाद है, क्योंकि कसम बड़े की खाई जाती है या फिर प्यारी चीज की कसम खाई जाती है। बंदे कहते हैं मुझे मेरे बेटे की कसम, पता चला बेटा बड़ा तो नहीं है लेकिन उसे प्यारा है। तवज्जो हाथ है मेरी तरफ से बना होता है। तो अब यहां अल्लाह कह रहे वल असर, मुझे असर की कसम, तो अल्लाह से बड़ा तो कोई है नहीं। फिर ये हक बजाने को कहने को कि जो असर है अल्लाह को उससे प्यार है। कोई असर ऐसा है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, ये प्यारी चीज की कसम अल्लाह खा रहा है, अल्लाह से कोई बड़ा नहीं है। लेकिन असर की कसम खा कर अल्लाह ने बता दिया कि मुझसे बड़ा तो कोई नहीं है लेकिन इस असर से मुझे अल्लाह को प्यार है।
आप आज की मजलिस में बस यही ढूंढ लो ना कि वो कौन सा आसर है जिससे अल्लाह मोहब्बत कर रहा है। तो वही आसर ही ढूंढ लिया जाए ना भाईजान जैन साहब, कि जिसको अल्लाह से प्यार है तो फिर इंसान खसारे से बच जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने आसर की कसम खाई है। अब यहाँ पर जनाब की तवज्जो हो तो मैं जनाब की याद दहानी के लिए गुजारशात कर देता हूँ। मुख्तलिफ तफासीर देखिए, वैसे भी इसी मिंबर से कई मरतबा बयान किया है, तुम्हारे सच्चे इमाम का फरमान है, सरकार फरमाते हैं कुरान के 70 जाहिर हैं, इसी कुरान के 70 बातिन हैं। फिर सरकार ने फरमाया जाहिर को थोड़े लोग जानते हैं, बातिन को सिवाय 14 के कोई जानता ही नहीं है। सलामत रखे। तो अब मुख्तलिफ मकामात पर इस असर की तफसीरें की गई है, जनाब की तवज्जो हो तो मैं दोहरा देता हूं ताकि बात करने से पहले आपके जहन में हो। किसी मुफस्सिर ने कहा कि ये जो वक्त असर होता है अल्लाह इसकी कसम खा रहा, रोजाना आता है ना ये वक्त, बोलो ना मेरे साथ, सर आने से बेहतर है हाँ हूं कर लिया करें तो फिर बात का मजा आ जाता है जी। क्या है असर? ये जो वक्त होता है असर का वक्त होता है ना, असर की नमाज पढ़ते हैं हम, पर मैं बस इसी वक्त की अल्लाह कसम खा रहा है, लेकिन मैंने इसे गौर से देखा है ये वक्त किसी के लिए भाईजान बहुत अच्छा होता है तो किसी के लिए बुरा भी हो जाता है। हाँ कभी ये अच्छा होता है, कभी इसमें नक्स पैदा हो जाए, तो फिर जिसमें नक्स हो अल्लाह नाकिस की कसम नहीं खाता। अल्लाह को सलामत रखे जी, जीते रहे। अल्लाह किसी नाकिस की कसम नहीं खाता, क्योंकि ये असर ऐसा वक्त है किसी के लिए अच्छा साबित हो जाए तो किसी के लिए अच्छा नहीं भी होगा ना, यानी नक्स तो पैदा हो गया हर बंदे के लिए, वो वक्त अच्छा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है, किसी का अच्छा किसी का बुरा, अब नक्स आ गया है तो किसी नाकिस की अल्लाह कसम नहीं खाता। आपके लिए नहीं अपने सुकून के लिए जुमला कह रहा हूं, जिस तरह अल्लाह नाकिस की कसम नहीं ना खाता, इसी तरह अल्लाह किसी के नाकिस ईमान वाले के फेल को अपना फेल नहीं कहता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद आले मोहम्मद। तो एक तफसीर तो ये बयान की गई कि ये असर का वक्त है, इसमें नक्स है, अल्लाह नाकिस की कसम नहीं खाएगा। दूसरी तफसीर में मोहतरम तफासीर पढ़िएगा, दूसरी तफसीर में बताया गया कि ये असर का वो वक्त है जब एक नमाजी ने हालत रको में ज़कात दी थी। सलामत रहे आप जी, बिस्मिल्लाह, जीते रहे, बोला करीमा है नरी जी, आपकी दुआ हो गई, आपका हाथ उठ गया, दुआ बन गई है जी। दूसरा वक्त और ये वो वक्त आसर है जब एक नमाजी ने हालत रकू में ज़कात दी थी। हालत अब पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे, वो मुश्किल बात भी नहीं है और बाबा जी नई बात भी नहीं है, बच्चों को याद है ये बात, वो बोलना चाहिए था। हालत रकू में नमाजी ने ज़कात दी, नमाजी असर की नमाज पढ़ रहा था, नमाजी असर की नमाज पढ़ रहा था, मस्जिद के दरवाजे पर साइल आ गया, उसने कहा कोई है जो मेरी मदद करे। सारे चुप रहे, ज़कात देने वाला भी चुप रहा। मजा लीजिएगा इस बात का। अच्छा उसने फिर सवाल किया कोई है जो मेरा सवाल पूरा करे। सारे चुप रहे क्योंकि नमाज पढ़ रहे थे, अब नमाज में बोलने की इजाजत ही नहीं है। सारे चुप रहे, ज़कात देने वाला भी चुप रहा। तीसरी मर्तबा उसने सवाल बदला, हाँ कोई है जो अल्लाह के नाम पर सलामत रहे आप जी, बिस्मिल्लाह, हरी अल्लाह आपको सलामत रहे। आपको समझ आ रही है ना नौजवान दोस्त इतने पीछे बैठे हैं, हाँ कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे, तो अब जिसका राबता अल्लाह से था
से कुछ नहीं कह रहा, वो हालत रकू में था, उसने अपना बिला तशबीह हाथ बढ़ाया, साल को इशारा किया होगा ना, आ ये अंगूठी उतार ले। अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी हौसला अफजाई फरमा दिया आपने, यही वाक्य है किताब में, मैं सही कह रहा हूं ना, उसने हाथ बढ़ाया, नमाजी चेहरे तशरीफ फरमा हो, हाँ नमाज पढ़ने वाले मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपसे ही मसला पूछ लेता हूँ। अच्छा आपको ना आए तो फिर यहाँ लाहौर के दिल में बैठे हो, यहाँ तो बड़े बड़े उलमाए कराम मौजूद हैं, मैं तालिबे इल्म हूँ, जरा मेरी रहनुमाई हो जाएगी, कल किसी से पूछ के आना, किसी से भी पूछ लेना, अहले इल्म से पूछना, कि जी हम हालत रुकू में खड़े हों और हम हाथ यूं कर लें, हमारी नमाज हो जाएगी? यकीनन कहेगा नहीं, नमाज में हरकत नहीं कर सकते। ये कैसा नमाजी है, उसने हाथ यूं भी कर दिया, उतारने वाले ने अंगूठी उतार भी ली, नमाज बातिल नहीं हुई बल्कि अल्लाह की आयत नाज़िल हो गई। जी आप सलामत रहें, जीते रहें, गौर है से बने मोहतरम, ये कैसा नमाजी है जिसने जैदी साहब हालत रकू में ज़कात भी दी, तो हाथ तो यूं किया ना, अंगूठी उतरी, नमाज बातिल नहीं हुई। जी जी पूछिएगा नमाज से, नमाज में हरकत करने से भी नमाज बातिल हो जाती है, अपना कलाम शामिल कर लिया जाए फिर भी नमाज बातिल हो जाती है, कोई ऐसा जुमला जो दो हर्फों से बन जाए वो भी अदा नहीं कर सकते, मतलब नमाज बातिल हो जाती है। इसी ज़कात वाले ने दोनों काम किए हैं, हाथ भी यूं किया है, आयत नाज़िल हुई है, यही नमाजी सजदे में था, कल की मजलिस का याद है ना, यही नमाजी सजदे में था और कह रहा था फर्स्ट रब्बिल काबा, रहे जी लुत्फा गया जना, जरा नमाजी दोनों काम किए है, किसी में जरूरत फतवा दे ये रकू में नमाज बातिल हो गई? नहीं जी बातिल नहीं हुई, आयत आई है, या कोई कहे उसका आखिरी सजदा बोला मेरे साथ फुस्तो बे रब्बिल काबा, ये नमाज का जुमला नहीं लेकिन मेरे मुर्शिद अली ने अदा किया है। अल्लाह अकबर। अच्छा कुछ ने कहा ये वक्त है असर का जिसकी अल्लाह ने कसम खाई है, तो जो है ना आपकी तीसरी तफसीर, अगर आप और से ऐसे समाज फरमाते रहे तो फिर जितनी मैंने पढ़ी है कम से कम वो तो आपको सुना दूंगा ना। तीसरी तफसीर उन्होंने लिखा कि जी नहीं, क्योंकि हमारे इमाम का एक लकब है साहिब अल असर व जमान, ये लगन है तेरे वक्त के इमाम का, सरकार बकियतुल्लाह का। कुछ उलमा ने कहा कि अल्लाह इस वक्त के इमाम की कसम खा रहा है। अल्लाह अकबर। हालात ऐसे है भाईजान के जुमला रोक लिया, तुम्हें जो हाथ है आपकी जी सरकार बकियतुल्लाह का नाम है साहिब अल असर व ज़मान, यानी अल्लाह तेरे वक्त के इमाम की कसम खा रहा है, पता नहीं कितना प्यारा है अल्लाह को तेरे वक्त का इमाम। जुमला तो मैं कह गया, ये पीछे दोस्त बैठे ये मेरे साथ नहीं रह जाते, ये कहीं खो जाते हैं, तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह को तेरे इमाम से कितना प्यार है कि उसकी कसम खा रहा है। चौथी तफसीर था तुरे कह रहा, चौथी तफसीर उन्होंने लिखा कि जब अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अली अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान किया था, रसूल ने मन कुंतु मौला कहा था, तो वो वक्त असर था। तो जो हाथ है ये चार बातें हो गई है ना, अब पांचवी बात कर लेते, नाराज तो नहीं हो गए ना, कुछ उलमा ने बाबा जी
का वक्त जो करबला में आया था, अल्लाह उसकी कसम खा रहा है। तो बहरहाल जिस मैं, क्योंकि आप पर भी जबरदस्ती तो मैंने कभी की नहीं कि जी मेरी बात मानो ना, मैं तो जो पढ़ता हूँ जनाब के सामने रख देता हूँ, ये तो आपकी अपनी मर्जी है, कोई भी वक्त मान ले। मुफस्सिरीन ने तो सबने लिख दिया है, हाँ वक्त असर जो करबला में था अल्लाह उसकी कसम खा रहा है। अब इन पांच में से जो भी मानो मेरा मसला हल हो जाएगा, हाँ मेरा मसला हल हो जाएगा। अगर ये कहना जी वक्त असर है ये जो होता है, तो ये भी अगर कहें तो मैं मान लूंगा कि अल्लाह असर की कसम खा रहा है। वक्त है ना जोहर, सुनियो के नौजवानों बोलो थोड़ा सा मेरे साथ, क्या वक्त है ना जोहर असर, बोलो मेरे साथ मगरिब इशा सुबह, ये पांच ही वक्त है ना। आप अल्हम्दुलिल्लाह सुबह की भी नमाज पढ़ते हैं, जोहर की भी, असर की भी, मगरिब की भी, इशा की भी, ये पांच नमाजें वाजिब हैं, हम ये पांच पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब कभी किसी से उलमा से पूछना, बल्कि माह रमजान मुबारक में करात आती है शबे कदर, शबे कदर के जब अमाल होते हैं तो उनमें एक हिस्सा बनाते हैं कजा नमाज पढ़नी है, याद है ना जनाब, कजा नमाज उलमाए कराम जमात के साथ पढ़ाते हैं जी, हम खुद पढ़ाते रहे हैं जी जी, जमात के साथ जिनसे पढ़ते रहे ना, जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं। तो दिन का आगाज सुबह से होता है, फिर चाहिए तो यही ना कि पहली नमाज सुबह से शुरू करें, लेकिन नहीं, शरीयत का मसला है जब कजा नमाजें शुरू करोगे तो फिर जोहर से शुरू करोगे। शरीयत के मसला भी सुन लिया करो ना, तो कजा नमाज कहां से शुरू करेंगे, जोहर से शुरू करेंगे। उलमा से पूछा क्यों, फरमाया इसलिए कि जो मुस्तफा ने पहली नमाज पढ़ी थी, मैं तो कह गया आप पता नहीं किस चीज के इंतजार में हैं जी, जो पहली नमाज मुस्तफा ने पढ़ाई वो जोहर थी, लिहाजा जब भी नमाज की इब्तदा होगी जोहर से पढ़ी जाएगी। अब पता नहीं कौन समझेगा मेरी बात को और किस जवान के सर से गुजर जाए, बज़ाहिर जोहर का वक्त है, नमाज है जोहर की, बज़ाहिर नमाज है, लेकिन बातिन में इस्म है जोहर तेरे मुस्तफा का। अगर समझ आए बज़ाहिर नमाज असर है लेकिन इसका जो बातिन है वो तेरा मुर्शिद अली है। अब
वो तो बसर नहीं होगी, वो है ही तो। मैं फिर कह रहा हूं, मशारे कुल अनवार वाले ने लिखा कि अल्लाह का निजाम है, वो जोहर भी दो की कर देता है, असर भी कर देता है, इशा भी कर देता है, लेकिन मगरिब और सुबह की ये कसर हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक नमाज है सैयदा की, एक है हुसैन की। अल्लाह कहता है इनका हक पूरा। तो फिर भी बात तो वही आ गई ना कि वो असर बातें में मेरे मुर्शिद अली है, तो फिर मानना पड़ेगा। अल्लाह कह रहा है अली की कसम है इंसान घाटे में है। नहीं बोले मेरे साथ, तवज्जो फरमाइए साहब अभी मोहतरम। अगर उस असर से मुराद, अल्लाहु अकबर, अगर उस असर से मुराद वो नमाज है जिसमें ज़कात दी गई, वो भी मेरा मुर्शिद अली है। समझ आ रही है नौजवानों, वो भी मेरा मुर्शिद अली है। अगर वो असर का वक्त था हुम्मे गदीर वाला, वो भी मेरा मुर्शिद अली है। अगर वो असर है करबला वाली, अगर वो असर है करबला वाली, तो वो भी फिर करबला में जो हुसैन ने नमाज पढ़ी, तो जो फरमान उसी नमाज को ही देख लो। अगर ना कितनी दफा मैं जैन साहब ये जुमला पढ़ चुका हूँ कि जो 9 लाख थे वो सामने फजाइल है, जो 9 लाख थे अजान भी दे रहे थे, अकामत भी दे रहे थे, कुरान की तिलावत भी कर रहे थे। यहां तक लिखा कि गले में कुरान हवाइल किए हुए थे, लटकाए हुए थे, हाफिज थे उनमें, मुफ्ती थे उनमें। समझ नहीं आ रही बात की, उनमें मुफ्ती थे, हाफिज थे, तो नमाज तो वहां भी हो रही थी। इधर है 72, अजान इधर भी हो रही है, अकामत इधर भी हो रही है, नमाज इधर भी हो रही है, फिर मानना पड़ेगा कोई फर्क है, कोई फर्क है जो 72 वालों में है उधर नहीं है। ला कुरान मेरे सर पे रख, यकीन ना आए तो मैंने आलम के फरेरे को हाथ में रखा हुआ है, तुझे शक हो तो कल किताब साथ लेकर आऊंगा। जब जोहर की आवाज तेरे मुर्शिद हुसैन ने दी है, तो 2 मरतबा ऊंची आवाज में कहा है अशहद अन्ना अलीयन वलीयल्लाह, नारे नबी अल्लाह, बात है सब ने मोहतरम जी। 2 मरतबा आपके मेरे मुर्शिद हुसैन ने 2 मरतबा ऊंची आवाज में कहा है अशहदु अन्ना मौलाना मेरे साथ अली शाह। आज दुनिया चीख रही है एशिया नमाज में अली वलीउल्लाह शिया। मैंने पिछली मजलिस में भी कहा था, हम तो कहेंगे क्योंकि हम खत्म नबूवत के कायल हैं, इसलिए कि हम खत्म नबूवत के कायल हैं। हमें पता है मुस्तफा आखिरी नबी है, इसलिए हम फौरन कहते हैं अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह। नबूवत का दरवाजा अल्लाह ने मोहर लगा दी, ये आखिरी है। हमने नबूवत के बाद इमामत का दामन थाम लिया है। परसों की मजलिस में
ये बच्चे की रुबाई से बात याद आ गई, फिर करते हैं अपनी वाली बात जो हो रही है वो। अब मैं कहता हूँ तरफ आप बोल पड़े तो थोड़ा सा सांस भी ले लिया करें, मालिक करीम आपको सलामत रखे। तो मैंने कहा था कि काबा, ये मैंने कहा था दूसरी मजलिस में, काबा आईडी की शक्ल में आएगा कहा था मैंने, लेकिन इसी मशारेकुल अनवार वाले ने लिखा है कि काबा महरम की सूरत में आएगा, इहराम बंदी हुई सूरत में आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, काबा महरम की सूरत, इहराम बंद, सारे इहराम बांध के तो काबे का तवाफ करते हैं, कि कयामत के दिन काबा हाजी बनकर कैसे आ रहा है। और यही बैठ कर हम इबादत पूरी कर लेते हैं। असर से मुराद अगर करबला वाली असर है तो भाई जान फिर भी मसला तो हल है ना, वहां भी अली का बेटा अली है, बोलो ना मेरे साहब। और अगर इस असर से मुराद सरकारे बकियतुल्लाह है, मसला फिर भी हल हो गया है, फिर वही कहूंगा कि अल्लाह जाने अल्लाह को तेरे वक्त के इमाम से कितना प्यार है, ये कसम खा रहा, तवज्जो नहीं फरमाई आपने, कसम खा रहा है कि मुझे बकियतुल्लाह की कसम, साहिब असर व ज़मान की कसम। और आगे क्या कहते हैं, इंसान खसारे में है, ना बोलना खैर है लेकिन जुमला सुनना, कसम खाता है तेरे इमाम की और फिर कहते हैं इंसान खसारे में है, अभी भी नहीं समझी दुनिया, पता चल गया इंसान और है इमाम और है। अपनी मर्जी ना, मेरा दिल है कि अली पास नहीं, नहीं
इस तरह तो उसका भी दिल था कि अली अल्लाह है, उसकी बात हम कैसे मान लाएं? वो तो काफिर हो गया, वो मुशरिक हो गया, उस पर अल्लाह की लानत, जिसे अली मार दे। सलामत रहो, जिसे अली आपकी जल्दी आ जाए, उसके आने में हमारी खैरियत है जी। अच्छा वो आएगा मेरा बादशाह ने लिखा, और जी तवज्जो दुआ भी करना, उलमा ने किताबों में लिखा तमतु साकिबा की पांचवी जिल्द वो ही देख लिए, रजत पर है, रजत पर है, सारी रजत पर है, रजत कहते लौट कर आना। वो सरकार आएगा जनाब सैयदा के दुश्मनों को, रसूल के दुश्मनों को, चलो यहां से शुरू करते हैं, रसूल के दुश्मनों को, सैयदा के दुश्मनों को, अली बादशाह के दुश्मनों को, एक एक क्या सब के अहले बैत तहार के दुश्मनों को मेरा बड़ा कब्रों से निकालेगा, तलवार से गला काटेगा। एक बंदे ने मुझे कहा फिर समझ आ गई, जब वो काट देगा तो उनका तो गुनाह माफ हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, काटेगा इसलिए क्योंकि हमारे उलमा ने बताया है जिसके गले पर ईमान की तलवार चल जाए उस पे जन्नत हराम हो जाता है। सलामत रहे आपकी तरफ, करीम अल्लाह आपको सलामत रहे जी, आप भी दे रहे मौला आपको सलामत रहे। जिसके गले पर वक्त के इमाम की तलवार चल जाए, सरकार मालिक का इस तरह का वाक्य याद है, मौलाली के साथ घोड़ा दौड़ाया, सरकार इधर से आप हमला करें इधर से मैं, जी ठीक है कर लेते हैं। जनाब मालिक ने इस तरह तलवार चलाई, 150 बंदा मार दिया, मेरे मुर्शिद अली ने को 5-7 मारे, हाथ बांधे तू है तो अली, लेकिन एक निकाल दे कितने सर पड़े हैं। मालिक कहते हैं आपने बंदे ज्यादा मारे, सरकार के राज मेरा हमला ताकत में था ना, आपने 5-7 मारे। मेरा मुर्शिद अली ने मुस्कुरा के देखा, माले तू मेरा बड़ा वफादार है लेकिन तू तलवार चलाता है, तवज्जो कीजिएगा, तू तलवार चलाता है, तू गले काटता है, मैं अली तलवार चलाने से पहले उसकी नस्ल में झांक के देखता हूं, एक भी शिया पैदा होने वाला है छोड़ देता। अल्लाह अकबर, तो एक शिया के लिए अली अपने कितने दुश्मन छोड़ देता है मेरे साथ जी, कितने। और बस गुफ्तगु तमाम करते हैं, बंदे बड़ी जल्दी में है, यदि आप पे इमाम क्यों नहीं आ रहा, हम भी दुआएं रोजाना करते हैं, अक्सर शिया भी परेशान हो जाते हैं, ईशान शाह को आ जाना चाहिए, उसके बारे में तेरे मुस्तफा की हदीस है, सरकार फरमाते हैं जब तक, तवज्जो कीजिएगा, जब तक मुनाफिक की सुल्म में हमारे मानने वाला कोई एक भी है, जब तक वो पैदा नहीं होगा हमारा बहरमान नहीं आएगा। कितने करीम हैं, मैं इनकी कितनी करीमी बताऊंगा आपको, तो यही से सोच लीजिए कि वो एक मोमेंट के लिए इंतजार में बैठा है। इन्हें मोमेंट प्यारे हैं, इन्हें अली का मोमेंट बन, अली का शिया बन, तेरे चेहरे से लगे तू अली का शिया है, तेरे किरदार से लगे तू अली का शिया है, सिर्फ नाम से कुछ नहीं होगा, किरदार, बंदा तो मर जाता है, किरदार बाकी रह जाता है, किरदार से अपने आप को मनवा के मैं अली का शिया हूं, शक्ल सूरत से मनवा मैं अली, लेकिन किरदार जरूरी है, किरदार। बस आज एक शिया का वाकया पेश करता हूं, हो सकता है इसी वाकये में हमारी आंख में आंसू आ जाए, जन्नत वाजिब हो जाए, अली की पाक बेटी आप पर मुझ पर सब पे राजी हो जाए। कल पढ़ा था कूफे का बाजार, ये 10 मंजिल से कम है, पता नहीं
दौर में कितनी मजालिस हों, फिर पढ़ा जाएंगे कूफे का बाजार, अली की बेटी ने कैसे बोल दिया। क्योंकि मोमिन का दिल नाजिक होता है, इसलिए उलमा ने जुमले लिखे भी हैं ना, तो ऐसे लिखे हैं कि तुझे तकलीफ ना हो, वगरना इतना कह देना ही काफी है, अली की बेटी और कूफे का बाजार हाय करने के लिए जितने काफी है, कूफे का बाजार, अली की बेटियां, रसूल की नवासियां, सैयदा की बेटियां, कूफे का बाजार, और वो भी बगैर चादर के। काफी मेरे बुजुर्ग बैठे इनको याद होगा, हर चार सफर के दिन में ये जुमला पढ़ता हूं, ये मसायब का आगाज ही इन जुमलों से करता हूं, बड़े अदब से। अली की बेटी उस दरबार में आ गई जिसके लायक न थी, बस आप है कर देना। इब्ने ज़ियाद मरऊन अलहलान बल अज़ाब ने अपने फौजियों से कहा, इन्हें वहां खड़ा करो है जहां गैर मुस्लिम कैदी खड़े करते। सैयद साजिदीन है, कमर में खम है, सरकार पाकिर साथ कैद है। तरतीब माली सुल्तान वाले ने यही लिखी, उसके पीछे जनाब फिजा है, उसकी पुश्त पे अली की बेटी की पेशानी है, पर्दा बन के खड़ी है जनाब फिजा, बड़ा मकाम है इस बीबी का। हाँ, पर्दा बन के खड़ी है अहले बैत तहार का, नाम बनाम बीबियां एक कतार में खड़ी है। अल्हलानत करे इब्ने ज़ियाद मरऊन पर, ये तख्त पे बैठा रहा क्योंकि मिंबर के लायक नहीं है वो लफ्ज, अगर वो सारे तुझे याद हैं, मैं अदब की खातिर नहीं पढ़ता। ये हरामी अपने शुगल तमाशे में लगा रहा, अली की बेटियां खड़ी रही। काफी देर के बाद इस हरामी ने एक कहका लगाया, ऊंची आवाज में हंसा और ऊंची आवाज में कहता है, काश आज कोई अली का शिया मौजूद होता, औलाद अली को यूं कैद देखता। समझ गए हो कि मैं क्या पढ़ना चाह रहा हूं? वो तड़पता, उसकी तड़प को देख के मुझे खुशी महसूस होती। इस हरामी का एक हरामी सिपाही खड़ा हुआ, कहते मैंने ज्यादा तेरी कैद में एक शिया अली है, हजारों शिया से बढ़ के है, उसे दरबार में बुला के ये मंजर दिखा। कहते कौन? कहते मुख्तार सकफी, वो तेरे कैद खाने में है। शरामी ने हुक्म दिया, जाओ मुख्तार सकफी को कैद करके ले आओ। किताबें बताती हैं 350 सिपाही जनाब मुख्तार को कैद खाने से लेने गया, जंजीरों में जकड़ा हुआ अली का शेर इसके तख्त के सामने आया। एक हरामी कहते हमारे अमीर है, इसे सलाम कर। जुमला सुनना, सरकार मुख्तार कहते जबान बंद कर, ये तुम्हारा अमीर होगा, मेरा अमीर हुसैन है। है करना इस मकसद के लिए, मेरे अमीर का नाम हुसैन है और मैंने कैद खाने में सुना है आजकल वो करबला आया हुआ है। ये बात हो रही थी, मैंने ज्यादा मालूम ने देखा, मुख्तार आज मैं बड़ा खुश हूं, आज तू जो भी मांगे सिवाय रिहाई के, जो कहे मैं देने को तैयार हूं। जब कहा ना देने को तैयार हूं, सरकार मुख्तार इसकी तरफ देखा, रोके कहते मैं जानता हूं तू दे कुछ नहीं सकता, क्योंकि तूने भरे मजमे में बात तो की है, तो फिर मेरी बात सुन, मैंने सुना है मेरा हुसैन करबला में आया हुआ। अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। सरकार मुख्तार कहते मैंने सुना है मेरा हुसैन करबला आया हुआ है, इसी फौजी दस्ते के साथ मुझे करबला जाने दे, मैं हुसैन का सलाम करके वापस आ जाऊंगा। सलाम का नाम आना था, ये मेरा ऊंचा हंसा, हंस के कहते अगर तेरा हुसैन मैं तुझे इसी दरबार में मिला दूं। दरबार का नाम आना था, जनाब मुख्तार ने मिला तस्बीह दाएं बाएं देखा, कहते जबान बंद कर, अगर मेरा हुसैन या आता कहीं अब्बास खड़ा हो, शर्मा नहीं ना, शर्मा नहीं ना, अगर मेरा हुसैन इस दरबार में होता कहीं अब्बास होता, कहीं अकबर और कासिम और मोहम्मद जमाने बनी हाशिम होते। अल्लाह अकबर,
उस वक्त इस हरामी ने इशारा किया, इस तख्त में देख है क्या। सरकार मुख्तार नीचे झुके, बंधे हुए हाथों से तख्त से कपड़ा हटाया, तख्त से कपड़ा हटा, निगाह पड़ी, रोना तेरे मुकद्दर का देखना मेरी तरफ। तख्त में निगाह पड़ी, नजर क्या आया, एक सर है जिसके रुखसार जख्मी है, जिसके आबरू कटे हुए हैं, जिसके होंठ खून आलूदा है, जिसकी जुल्फें दाएं से बाएं हैं, सर में खून भी है खाक में भी है, और वो कुरान की तिलावत कर रहा है। मुख्तार दो जानों के करीब बैठा, कहते तेरा कुरान पढ़ना बता रहा है, तू राय हक का शहीद है, बता सकता है तू कौन है। मैं मर जाता ये जुमला यूं न पढ़ता, जख्मी होठों से एक आवाज निकली का मुख्तार पहचान, मैं तेरा मुर्शिद हुसैन। अल्लाह अकबर, मैं तेरा मुर्शिद हुसैन। मैंने पढ़ दिया, तूने है कर दी, हुसैन का नाम आना था। अली के शेर ने कहा अल्लाह अकबर, साथ खड़े सिपाही से तलवार छीनी, इससे पहले के हमला करता एक कांपता हुआ हाथ मुख्तार की कलाई में आया, रेत का चचा मुख्तार जंग न करना, और इस जंग ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। चचा का नाम सुना, हाथ रोका, कहता भरे दरबार में मुझे कौन है चचा कहने वाला, मुझे चचा सज्जाद कहता था, सज्जाद का नाम आना था। उस वक्त तेरे चौथे इमाम ने अपने चेहरे से बंधे हुए हाथों से परेशान जुल्फे हटाई, कहा मुख्तार देख मैं तेरा चौथा इमाम, मैं सज्जाद हूँ, सज्जाद का नाम आना था। मुख्तार कहते अगर ये हुसैन है तू सज्जाद है, पता ये पर्दादार कौन है, का हाथ नीचे कर गुनाह होगा, ये अली की बेटी कैद है, ये लहरा की बेटियां कैद है, और रोने वालों कैद का नाम आना था। मुख्तार रोता रोता जमीन पे बैठ गया, कहते सज्जाद कहिए, अली की बेटियां मुझे बता